कहते हैं सच की चोटें फौलाद से ज़्यादा क्या होगी और एक माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। डॉक्टर मंजू राठी, राठी हॉस्पिटल कामटी, यहाँ एक महिला की, 32 वर्षीय महिला की बच्चा डिलीवरी के बाद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कारण डॉक्टर की लापरवाही बताया जा रहा है। एक तरफ डॉक्टर का तेवर, दूसरी तरफ मृतक के पति का दर्द, दोनों आपके सामने हैं। दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ कामटी में। कामटी मेरे पीछे एक हॉस्पिटल देख रहे हैं आप, जिसका नाम है राठी हॉस्पिटल। सबसे पुराना, काफ़ी पुराना और काफ़ी चर्चित हॉस्पिटल बताया जाता है। खास करके यहाँ पे प्रेगनेंसी और बच्चों के लिए खास स्पेशलिस्ट इसे इस हॉस्पिटल को बताया जाता है। कांद्री कन्हान में रहने वाली कश्यप परिवार की एक 32 वर्षीय युवती, जो अपने बच्चा, जब प्रेगनेंसी हो रही, उसे बच्चा पैदा होने के 5 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, 5 घंटे तक, सूत्र बताते हैं और परिवार वाले और परिजन भी बताते हैं कि 5 घंटे तक तेज़ ब्लीडिंग होती रही, लेकिन डॉक्टर राठी, मंजू राठी, इस पर कोई ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे रही थी। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे केस को, तमाम चीज़ें दिलासा दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ब्लड लेट भी हुआ तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा आपने, कुछ नहीं होगा ऐसा आपका कहना था। तो पेशेंट इम्प्रूव, एक बार दिखा ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसलिए तो ओटी से रिकवरी रूम में लाए, तो रिकवरी रूम में लाते से ही सडन कोलैप्स हो रही है पेशेंट। 10 बजे होने के बाद फिर ब्लडिंग उसकी नहीं रुक रही थी, तो मैडम ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमने बोला देखो इसको क्या हुआ, तो मैडम ने अंदर लेकर गए, हमको देखने नहीं दे रहे थे। आप जाइए बोले, ब्लड लेकर या आइए बोले। मैंने बोला था कि ठीक है, ब्लड लगेगा, लेके आओ। 4 बजे के पास वो ब्लड लेके आने वाला था, लेकर आया भी, और शायद 3:15 बजे खबर मिलती है कि उसकी डेथ हो। ये पढ़ लो कंसेंट, ये एक कंसेंट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो उसके बाद फिर मैडम ने दूसरे आदमी को भेजा, बोले 4 बजे तक लेकर आप आओ, 4 बजे तक कुछ नहीं होगा। तो अच्छा, ऐसा डॉक्टर राठी मैडम जो हॉस्पिटल में थी, वो खुद बोले कि 4 बजे तक लेकर आओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये जो घटना हुई, मृत्यु कितने बजे होगी? मृत्यु 3 बजे होगी, मतलब उन्होंने एक टाइम दिया, उससे पहले ही मृत्यु हो गई। अब मुझे एक बात बताइए कि ब्लीडिंग, जैसे जैसे डिलीवरी हुआ 10:15 बजे के आसपास, जैसा कि बता रहे हैं, तो उसके बाद से ब्लड का निकलना शुरू था कि कंटिन्यू? पूरा ब्लड बह रहा था, एकदम गाढ़ा ब्लड। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इस केस को ट्रांसफ़र, रेफ़र करना चाहिए कहीं अपने यहाँ से? रेफ़र का हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो था ही, लेकिन ब्लीडिंग हो रहा था ना पेशेंट को, और रिश्तेदार एक ही थे, तो उनको बताया भी गया मैंने कि 2-3 रिश्तेदार बुला लो। रिश्तेदार नहीं आएंगे तो रेफ़र नहीं हो सकता पेशेंट? ऐसा नहीं है कि रेफ़र नहीं हो सकता, एक बता रही हूँ आपको कि एक हेल्प के लिए वो जो अकेला उसका आदमी था, तो उसको भी। पर मैं बोला रिफर करना पड़ सकता है क्या, तो नहीं बोले, अभी तो नॉर्मल है बोले, नहीं संभलेंगे तो हम बताएंगे बोले। डॉक्टर राठी मैडम जो है, क्या लगातार पेशेंट के पास में या फिर उसकी देख रेख ठीक से कर रही थी? नहीं कर रही थी, वो अपने पेशेंट देख रही थी, जब एकदम से सीरियस हो गई है तब जाके वो इसको देख रही थी। ये जानकारी नहीं चाहिए थी, ये आप क्यों बोलते हो? ये तो डॉक्टर कोई भी आपको सजेस्ट करेंगे। मृत्यु होने के बाद हमको बता नहीं रहे थे क्या मृत्यु हो गई है, दूसरे डॉक्टर के जरिए मुझे फ़ोन करवाकर बोला गया कि आपकी वाइफ नहीं रह गई है। तो आपको सामने से बताया कि फ़ोन करके बताया जानकारी? फ़ोन कर बताया। उस फ़ोन करके किसने दिया? नंबर मेरे पास है, गलती मेरी हुई नहीं है, आखिर ऊपर वाले ने खुद के हाथ में भी रखा है, जन्म मृत्यु ऐसा नहीं है, और हो सकता थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वो वैसा सब जगह लागू इसलिए नहीं होता है कि ऊपर वाले ने जन्म मृत्यु अपने हाथ में रखा है, ये तुम नॉन मेडिकल लोग नहीं बोल सकते ऐसा, गलती मेरी हुई नहीं है। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर मंजू राठी से काफी लोग परेशान होकर वहां से निकलते हैं, काफी लोग परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर राठी को मेडिकल बोर्ड पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर राठी को मेडिकल बोर्ड पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना अपने आप में एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है कि क्या मेडिकल बोर्ड और राठी के बीच में कोई भ्रष्टाचार जैसी बात तो नहीं है? एक सिर्फ सवाल बना हुआ है इस वक्त। इस संबंधित हमने जूनी कामटी के PI थानेदार से हमारी बातचीत हुई, वो क्या कहते हैं वो सुनिए। 4 अप्रैल को एक भानुशाली कश्यप, ये महिला 32 साल की,
कनन कांद्रे में रहने वाली, ये प्रसूति के लिए अपने राठी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। सुबह 10 बजे उसकी डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद 3 बजे उसकी मौत हो गई। तो हमें जैसे पता चला हम वहाँ पे गए, तो उसके बाद वहाँ अपने पॉलिटिशियन में उन्हें घर वालों ने कंप्लेंट दे दी, तो आपने मर्ग दाखिल कर दिया, उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। अभी तक तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि 10 बजे डिलीवरी होती है और 3 बजे मौत होती है। तो हमने पूछा उनको क्या कैसे हुआ, तो ब्लड ज़्यादा जाने से वो मौत हो गया, ऐसा हमें उन्होंने बताया। हाँ वो तो सही है कि डिलीवरी 10 बजे हुई, मौत 3 बजे हुई। इसमें जो जो करना था उन्होंने किया नहीं किया उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो तपास में निष्पन्न होगा तो उचित कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, राठी हॉस्पिटल में हुई यह घटना अनेक दिलों को झकझोर चुका है। इस संबंध में आगे क्या चीज़ें होती हैं, क्या नए खुलासे होते हैं, हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे, सच दिखाए बिना छुपाए। जय हिंद।